Hello there, KP fam. What's up? And how you all are doing? So this is KP Sais and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share my honest opinion on Cure Skin app and like how to use it, how to order your products and everything basically about Cure Skin. So if you are interested in knowing all this stuff, so please keep on watching the video. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel, like this video and share with your friends. So without wasting any further time, let's get rolling. So as you guys already know that I have been suffering from PCOD, and because of that मुझे बहुत ज़्यादा you know acne pimples की problem recently, like not recently, मुझे बहुत time से acne pimples की problem जो है वो रहती है, जो आप लोग जानते ही हो, and जिसकी वजह से मुझे marks रह जाते हैं अपने face पे acnes and pimples के, and मैं उसको बहुत time से try कर रही हूँ like कि मैं उसको you know सही कर पाऊँ, but I am not seeing like a really visible change on my skin. बहुत सारे products मैं try कर चुकी हूँ. I'm not seeing like a really visible change on my skin. So recently I was you know just surfing around and I saw a video about Cure Skin. तो मैंने वो video देखा and उसके बाद मैंने और videos देखे. So I really got fascinated by this app and जिस तरीके से लोगों ने review दे रखे थे. So I thought of you know giving it a chance because मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में research किया detail में कि what is Cure Skin basically क्या एक्चुअली में ये वर्क करता है जिस तरीके से लोग क्लेम करते हैं या फिर नहीं. सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ चांस. बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योर स्किन इज एन ऐप विच डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज क्योर स्किन, सो लेट मी जस्ट गिव यू लाइक अ ब्रीफ डिटेल अबाउट दिस ऐप. सो क्योर स्किन इज बेसिकली अ डर्मेटोलॉजिकल ऐप इन विच यू गेट ऑल योर स्किन केयर सर्विसेज एंड सोल्यूशंस टू योर स्किन केयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे ही दे देते हैं, दे डायग्नोज योर प्रॉब्लम्स, एनालाइज करते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, देन वो आपको एक यू नो कंप्लीट ट्रीटमेंट, एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट किट जो है आपको प्रोवाइड करके देते हैं. सो बेसिकली व्हेन यू नो डाउनलोड दिस ऐप, लॉग इन करते हो आप, तो क्या होता है कि आपने बहुत सारे ऐप्स यूज करे होंगे जो क्लेम करते हैं कि वो डर्मेटोलॉजिकल बेस्ड ऐप्स हैं. उसमें बहुत एक लंबा चौड़ा यू नो क्वेश्चनेयर आ जाता है, लंबा चौड़ा तो नहीं कहूंगी बट एक छोटा सा क्वेश्चनेयर आ जाता है जिसमें आपकी एज पूछते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक गिनती के 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो हर जगह देखने को मिलता है. बट यहाँ पे यू एक्चुअली गेट लाइक ह्यूज क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं. लाइक यू गेट दिस इन फॉर्म ऑफ यू नो चैट, वो आपसे पूछते हैं आपका एज क्या है, आपका यू नो स्किन प्रॉब्लम क्या है, आपको कितने टाइम से वो स्किन प्रॉब्लम है, मेन फोकस प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं आपके, देन आप मैरिड हो या नहीं हो, कोई फूड एलर्जिक रिएक्शन है आपको या फिर नहीं है, यू नो, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करते हैं. यू एक्चुअली फील लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ डर्मैट, राइट, कि जिस तरीके से एक यू नो रियल डर्मैट आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसी तरीके से आपको एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें यू एक्चुअली फील लाइक कि हाँ यू नो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं एंड यू रियली गेट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. There is this thing in this app which I really liked is photo analysis. Basically होता क्या है, वो आपको पूछते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा किस तरीके से, you need to get a picture of yourself from right, left and front profile. आपको तीनों प्रोफाइल से अपना एक पिक्चर क्लिक करने के बाद वहां पे उनको सेंड करना होता है. बेसिकली उससे होता क्या है, वो आपके पूरे फेस का एनालिसिस करते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपको कहाँ पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको एक्नेस एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको यू नो मार्क्स रह रहे हैं, कहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, कहाँ पे पिगमेंटेशन है. एंड वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे जो जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज मुझे फेस पे हैं, आई हैव बीन यू नो मतलब मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, एंड उस ऐप ने वो एक्यूरेट बताया था कि जो जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो सब उन्होंने मुझे बता दिया था. वहां पे आपको ऊपर पॉइंट्स मिल जाते कि यहाँ पे आपके एक्ने स्पॉट्स हैं, यहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, यहाँ पे आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है. सो दैट वॉज लाइक सुपर गुड. सो ये सब यू नो करने के बाद दे गेव मी अ स्किन केयर रेजिमेन बेसिकली कस्टमाइज फॉर माई स्किन. तो उसमें मुझे 5 प्रोडक्ट्स मिले थे एंड दे वर ऑल्सो गिविंग द गाइडेंस कि उस प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है. ठीक है, क्योंकि कई बार होता है हम प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं बट इस चीज की कंफ्यूजन रहती है हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, कितना अमाउंट लेना है, दिन में कितनी बार उस प्रोडक्ट को यूज करना है. तो वो प्रॉपरली बताते हैं कि आपको इतना पंप लेना है, आपको इतने ड्रॉप्स लेने हैं, इतना अमाउंट लेना है,
इस टाइम पे मॉर्निंग में यूज करना, नाइट पे यूज करना, सो दैट वॉज लाइक रियली गुड एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू गिव इट अ चांस. सो आई ऑर्डर्ड माई प्रोडक्ट्स एंड जब आपको आपके प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं यू गेट यू नो कार्डबोर्ड काइंड ऑफ पैकेजिंग लाइक दिस. आपको इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव होते हैं. यहाँ पे क्योर स्किन लिखा हुआ है, द बेसिक कार्डबोर्ड पैकेजिंग यू रिसीव इन लाइक अ ब्लू बॉक्स. मुझे हार्डली 2 से 3 दिन लगे थे अपना ये पूरा का पूरा ऑर्डर यू नो रिसीव करने में, एंड विच इज लाइक सुपर फास्ट. इतनी जल्दी 2 से 3 दिन में, लाइक आई डोंट थिंक सो 3 दिन में, मुझे सिर्फ 2 ही दिन लगे थे. 2 दिन में यू डू नॉट गेट एनी डिलीवरी इतनी जल्दी. बट यहाँ पे उन्होंने एक कस्टमाइज स्किन केयर प्लान आपको सिर्फ 2 दिन में जो है वो डिलीवर करके दे देते हैं. एंड ऑल्सो यू नो जो चैट होती है उसमें वो आपको एक वॉइस नोट भी भेजते हैं. जो मेरी डर्मैट थी उन्होंने मुझे एक कम्प्लीट वॉइस नोट भेजा जिसमें लिखा हुआ था, लाइक नॉट लिखा हुआ था, इन विच शी वॉज टेलिंग दैट मेरे जो मुझे कम्प्लीट रेजिमेंट किट प्रोवाइड किया गया है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. जो मेरे 5 प्रोडक्ट्स थे शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट दोज 5 प्रोडक्ट्स, उनको किस तरीके से मुझे यूज करना है, किस टाइम पे मुझे यूज करना है, एंड उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या है. लाइक कंप्लीट एक मुझे डिटेल, लाइक एक क्लियर पिक्चर मिल गई थी मुझे अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं तो वो मुझे प्रोडक्ट्स क्यों रिसीव हो रहे हैं एंड उनका मेन काम क्या है. ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने बस पकड़ा दिया कि ये लो ठीक है तुम्हारे प्रोडक्ट्स अब इनको यूज कर लो. कंप्लीट डिटेल बताते हैं आपको कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स रिसीव हो रहे हैं तो वो इस रीजन की वजह से हो रहे हैं एंड वो इस तरीके से आपकी स्किन पर काम करेंगे. एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो यू कैन चैट विद देम एनी टाइम, लाइक दे आर अवेलेबल 24 आवर. ठीक है, कभी भी आप उनको मैसेज कर सकते हो चैट में एंड दे विल रिप्लाई इंस्टेंटली. जो मैं देख चुकी हूँ बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाता है, सो विच इज लाइक अ रियली गुड थिंग. एंड मुझे मेरा जो रेजिमेंट किट मिला था वो था फॉर 12 वीक्स, आई थिंक, या दैट वॉज फॉर 12 वीक्स. तो मुझे एक 12 वीक रेजिमेंट किट जो है वो रिसीव हुआ है. सो लेट्स जस्ट ओपन दिस बॉक्स. तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे वो थे ये 5 प्रोडक्ट्स. ठीक है, आपको अभी 4 दिख रहे होंगे, वेट, या मुझे ये 5 प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव हुए थे. तो जो मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे रिसीव हुआ है दैट इज दिस क्योर स्किन क्लेंजिंग जेल. ठीक है, यहाँ पे आपको 100 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो रिसीव हो रही है. पैकेजिंग इज लाइक रियली गुड, आपको कोई छोटी सी यू नो ट्रायल साइज पैकेजिंग नहीं मिल रही है, अच्छा खासा आपको मिल रहा है यहाँ पे. सो 100 ग्राम्स आपको क्वांटिटी मिल रही है. सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है ना वो कम्प्लीटली मेंशन किए गए हैं इसमें क्या क्या है. लाइक आई एम सीइंग एलोवेरा, सैफ्रन, विटामिन ई. ठीक है, फिर इसमें एसिटेट फ्रेग्रेंस है, प्योरिफाइड वाटर है, एंड और भी उसमें मुझे ग्लाइकोलिक एसिड दिख रहा है मुझे इसके अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ग्लूकोसाइड दिख रहा है. ग्लूकोसाइड एंड ग्लाइकोलिक एसिड आर लाइक रियली गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर दोज जिनकी एक्ने और पिंपल प्रोन स्किन है, बिकॉज वो एक्चुअली आपके स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने सारे प्रोडक्ट्स की देखी, आई जस्ट लव्ड इट. तो मुझे पहला मिला यहाँ पे ये क्लेंजर जेल, क्लेंजिंग जेल, जो बेसिकली एक जेल की तरह वर्क करता है, यू कैन यूज इट ऑन योर फेस. ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ था वो है ये क्योर स्किन की मॉइस्चराइजिंग क्रीम. यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी मिल रही है वो है 50 ग्राम्स. इट सेज माई डेली स्किन रिपेयर एंड रीस्टोर क्रीम. अगेन यहाँ पे भी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छी खासी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है. तो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक कि इंग्रेडिएंट्स इन्होंने अपने पूरे बता रखे हैं. लाइक देर आर सम शेडी ब्रांड्स इन द मार्केट जो अपने यू नो इंग्रेडिएंट लिस्ट को कम्प्लीटली रिवील नहीं करते हैं एक थॉट प्रोसेस के साथ कि अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी नहीं होगी तो मे बी लोग उसको बाय कर लेंगे. बट पीपल आर लाइक रियली स्मार्ट नाउ डेज, उनको पता लग जाता है अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी नहीं है, लाइक समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दैट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिली थी विच इज लाइक सुपर गुड. ये बहुत ज्यादा ऑयली एंड ग्रीसी नहीं करती है आपके फेस को, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. यू विल नॉट फील सुपर स्वेटी आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, बिकॉज समर्स में होता है कि आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो ना फेस स्टार्ट्स फीलिंग सुपर स्वेटी इंस्टेंटली, तो ये वो काम बिल्कुल नहीं करता है. थर्ड प्रोडक्ट विच आई गॉट इज दिस सनस्क्रीन जेल. सो दिस इज द क्योर स्किन SPF 30 सनस्क्रीन जेल. यहाँ पे आपको मिल जाता है 50 ग्राम्स. इट्स बेसिकली अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम माई एवरीडे स्किन प्रोटेक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन पीछे दी गई है, बट आपको ऐप में भी वो डायरेक्शन बता देते हैं कि आपको कितना यूज करना है कितना यूज नहीं करना. अगेन ये वाला भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. आपके फेस पे बहुत ज्यादा आपको स्वेटीनेस फील नहीं होगा, ग्रीसीनेस फील नहीं होगा. इट्स रियली रियली अमेजिंग, बहुत ज्यादा लाइट वेट है. सो आई थिंक मुझे सनस्क्रीन ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी एंड इसमें आपको 30 SPF मिल रहा है विच इज लाइक ओके. कई लोगों के माइंड में ये थिंकिंग होती है कि जितना ज्यादा हाइयर SPF होगा उतना ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट वर्क करता है, बट ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है. ओके, देन मुझे यहाँ पे ना ये 2 ट्यूब्स मिली है. दिस इज द ट्रेटिनॉइन जेल, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट. ठीक है, सो यहाँ पे 0.0
0.025% है ये. एंड जो नेक्स्ट है वो है ग्लाइकोनेम. इसमें ये बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम है, ये 6% क्रीम है. सो मुझे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस इनके लिए अलग दी गई थी जो वहां पे क्लियरली मेंशन होती है. आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन दोनों को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई नहीं करना. दीज प्रोडक्ट्स आर यू नो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी. ठीक है, प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना तो प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था. अगर आप वैसे भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लेने जाते हो ना मार्केट में, आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आपको कॉस्टली मिलते हैं, बट ये सुपर अफोर्डेबल थे. ठीक है, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन मुझे कितने का पड़ा, तो हर किसी का एक अलग कस्टमाइज्ड स्किन केयर ट्रीटमेंट किट होता है, तो उस अकॉर्डिंगली वो प्राइस बताते हैं. मुझे जो पड़ा जरूरी नहीं है आपको वो सेम पड़ेगा. आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम, सो आपको जो प्राइस है वो डिफरेंट मिलेगा. ठीक है, इंग्रेडिएंट लिस्ट उन्होंने सारी की सारी बता रखी है, विच इज समथिंग आई रियली लव्ड. एंड अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं, कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स नहीं है इनके अंदर. एक थोड़ी सी हल्की सी लाइट, आई शुड से माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है, विच एक्चुअली डजंट बॉदर मी एट ऑल. बट इफ यू आर समवन who is really fragrance conscious, so maybe आपको feel हो, but इतना ज़्यादा feel नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ fragrance आ रही है. Quantity और quality products की दोनों ही बहुत ज़्यादा amazing लगी. Like मुझे ये products receive हुए more than a week हो चुका है. I have been using them तब से. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्किन पे मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं लगा, क्योंकि आई एम अ पर्सन विद सेंसिटिव स्किन. एंड सेंसिटिव स्किन पे यू नो आपको पता है कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं. एंड मैंने जब फर्स्ट डे भी यूज किया था, मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा, कोई रेडनेस नहीं दिखी, कोई मुझे अपने एक्ने मार्क्स या फिर अपना एक्नेस का कुछ बढ़ता हुआ कुछ भी नहीं दिखा. इनफैक्ट यू गाइस कैन लिटरली सी, अभी आपको मेरे फेस पे एक्टिव एक्ने नहीं दिख रहा होगा. देयर इज अ लिटिल बिट मेकअप ऑन माय स्किन, बट यहाँ पे जहाँ पे मुझे मार्क्स है मैं वहां पे मेकअप नहीं अप्लाई करती हूँ. सो यू गाइस कैन सी मेरे मार्क्स कितने ज्यादा रिड्यूस हो रहे हैं. आई जस्ट हैव एक्टिव एक्ने राइट हियर, सो यू गाइस कैन सी माय स्किन इज लुकिंग प्रीटी गुड. मार्क्स विजिबल है, ऑब्वियसली मार्क्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जाने में, तो इसलिए मार्क्स को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट जब से आई एम यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, मुझे एक्चुअली में कोई अपनी स्किन पे यू नो एक्नेस और पिंपल्स न्यू नहीं दिख रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा अमेजिंगली वर्क कर रही है मेरी स्किन पे. अगर आपको अपना कस्टमाइज्ड रेजिमेन स्किन केयर प्लान जो है चाहिए फ्रॉम क्योर स्किन, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अपना यू नो कस्टमाइज प्लान बनवा सकते हो. एंड यू नो यू कैन हैव द मैथ्स एट योर फोन. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.